सम्मान की लड़ाई गुर्जर समाज ने लड़ी है, तो अपने हक को पाया है। और हम ना अरबों पे झुके, ना मुगलों पे झुके, ना हमें अंग्रेजी सरकार झुका पाई। और ये तो जो सरकारें हैं, ये अंग्रेजों के मुखबिरों की सरकार है, ये हमें क्या झुका पाएगी। अपने सम्मान की लड़ाई के लिए, अपने समाज की सम्मान की लड़ाई के लिए गुर्जर समाज लड़ेगा और हमारी मातृशक्ति भी लड़ेगी। हम अपने सम्मान के साथ समझौता हमारे पूर्वजों ने ना मुगलों के टाइम में दिया और ना आज हम समझौता कर सकते हैं। हमारा समाज वो समाज नहीं है जिन्होंने रियासतों के चक्कर में बहन बेटियों को बेचा। हमारे पूर्वजों ने जंगलों में जीवन यापन करना अच्छा समझा, अपनी बहन बेटियों की रक्षा की। हम उस समाज को के वंशज हैं, तो हम अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे, सरकार को झुकाएंगे। गुर्जर शब्द प्रतिहार सम्राट के आगे से हटाया, ये हमारे सम्मान को ठेस पहुँचाई है। ये सम्मान पर ठेस किसने पहुँचाई है, सरकार ने, लोकल नेताओं ने? यूपी के मुखिया हैं। कहते हैं कि साधु की जाति नहीं होती, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने ये साबित कर दिया है कि साधु की एक जात होती है और मुख्यमंत्री की एक जात होती है, और वो है राजपूत। उन्होंने एक षड्यंत्रकारी तरीके से, जिसमें हमारे समाज के भी कुछ लोग शामिल थे, नेता शामिल थे, मैं अभी हम तो कहते हैं कि शायद उनमें गुर्जर समाज का डीएनए हो ना, उनका डीएनए भी चेक करवाए, जिन्होंने अपने पूर्वजों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करवाई, पूरे गुर्जर समाज को बरगलाया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का गुर्जर उस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ, और जब वो वहाँ सभा में मौजूद होते हैं तो पता लगता है कि शिलापट्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है, गुर्जर शब्द गायब कर दिया गया है। लेकिन तब तो किसी ने विरोध नहीं किया। हमारा समाज उस तरह का नहीं है कि एक कार्यक्रम है और उसमें पत्थरबाजी करे, हुटिंग करे। समाज ने सभी लोगों से राय मांगी, लोगों को पता चला, हमें भी पता लगा कि गुर्जर शब्द नहीं है, विरोध हुआ, और उस विरोध के बाद ये नतीजा निकल के आया है कि आज दादरी में पूरा गुर्जर समाज दूर दूर से इकट्ठा हुआ है। लेकिन गुर्जर समाज तो बीजेपी के साथ रहा, तो फिर ऐसा क्यों कर दिया सरकार ने आपके साथ? गुर्जर समाज बीजेपी के साथ रहा है, हर एक समाज बीजेपी के सपोर्ट में था। अन्ना आंदोलन एक ऐसे आंदोलन आया था जिसमें ये था कि भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन अंग्रेजों से लेकर चाहे पीछे 70 साल में किसी का भी शासन रहा हो, उन्होंने गुर्जरों को राजनीति से दूर रखा है। फिलहाल जो भी अब वर्तमान में राजनीति में जो गुर्जर चाहे किसी भी मंत्री पद पर हैं, किसी भी औहदे पर हैं, तो वो चरण चाटुकारिता करते हैं। जो दादरी है तो राजधानी कहा जाता है गुर्जरों की, दिल्ली एनसीआर में गुर्जरों की राजधानी दिल्ली दादरी कहा जाता है, यहाँ भी दिक्कत हो गई है। यहाँ दिक्कत ऐसा है कि इनको लगता है कि गुर्जरों की आवाज़ को दबा देंगे और ये चरण चाटुकारिता करेंगे, तो चरण चाटुकारिता तो हमारे खून में है ही नहीं। हम विद्रोही कौम है, विद्रोह करेंगे और अपने सम्मान की रक्षा करेंगे। उस प्रोग्राम में एक तो सांसद थे मौजूद, जो लोकल विधायक है वो भी मौजूद थे, उन्होंने क्यों विरोध किया? वो सरकार के आगे ना शरणागत हो चुके हैं, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। उनके लिए सरकार की चंद बोटियाँ महत्व रखती है, अपने सम्मान को उन्होंने बेच दिया है पूर्वजों को। सम्मान लौटने वापस आ पाएगा? गुर्जर थे, गुर्जर हैं और गुर्जर ही रहेंगे। हमारे सम्मान को तो अरबों से लेकर अंग्रेजों तक नहीं झुका पाए। लेकिन यह सरकार तो हम आम जनता है, हम ही बनाते हैं, हम ही गिराते हैं। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। आपका विरोध तो राजपूत भी कर रहे हैं ना, ठाकुर से जी? वो क्या विरोध करेंगे, जिन्होंने अपनी बेटियों को, मैं नाम नहीं लेना चाहती, मुगल पूतों ने अपनी बेटियों को चंद रियासतों के चक्कर में बिना लड़े उनको समर्पित कर दिया। वो कहते हैं इतिहास में, वो फिल्में आपने देखी होंगी कि वो लड़ाका थी, फलड़ा थी। अगर जोधा भाई लड़ाका थी तो उसने अकबर का सर कलम क्यों नहीं किया? राम प्यारी गुर्जरी हमारे ही समाज की महिला थी, जिसने तैमूर लंग को मौत के घाट उतार दिया था। धौला देवी गुर्जरी, मैं इतिहास की छात्रा रही हूँ, ये तो किस्मत खराब थी कि परिवार की जिम्मेवारी की वजह से मैं आगे नहीं पढ़ पाई, लेकिन आज मैं वो महिला हूँ जिसने अपने बच्चों को एक बुलंदी तक पहुँचाया है। क्या मोदी सरकार में, मोदी सरकार में इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है क्या? जब मैं 9वीं 10वीं के आप इतिहास पढ़ोगे तो 200-250
शब्दों का एक चैप्टर आता था गुर्जर प्रतिहार, लेकिन उस इतिहास के साथ छेड़छाड़ अब 7 साल के अंदर हुई है। जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बने मुख्यमंत्री तो वहां से गुर्जर शब्द को हटा दिया। हमारे समाज ने विरोध किया, सोशल मीडिया पर आवाज उठाई, लेकिन उसकी कुछ नहीं सुनी गई। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी एक सम्मानित व्यक्ति इस देश के रहे, जिनका पक्ष विपक्ष और देश दुनिया कायल रही। उन्होंने सम्राट मीरभोज की प्रतिमा का अनावरण किया, वहाँ गुर्जर प्रतिहार शब्द लिखा हुआ था। आज ये हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं? जो ओबीसी जातियाँ हैं उनमें गुर्जर भी प्रमुखता से आती है जी। जनसंख्या गणना के लिए कोई आंदोलन नहीं चल रहा है? देखो इस बारे में मैं, बीजेपी तो हमेशा चाहती है कि एक दिखावा करती है कि हम दबे कुचलों के वो है नायक है, लेकिन वो हमेशा छोटी जातियों को दबाती है जिसमें गुर्जर समाज भी आता है। तो ओबीसी कहाँ आंदोलन कर रही है अपनी जनगणना के लिए? आरक्षण के लिए कभी गए नहीं जो दिल्ली एंसर गुर्जर है? आपको याद होगा बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, मंडल में विरोध किया था खुद गुर्जरों ने, ओबीसी ने आग लगाई थी राजीव चौक पर, या खुद अपने बीपी सिंह के एक समय में एक आंदोलन हुआ था, सरकार को झुका दिया था। और आज का जो व्यक्ति नेतृत्व जो है करने वाला कोई नेता नहीं है। जब भी कोई नेतृत्व करने वाला नेता होता है वो क्या करता है, समाज को या उस आंदोलन को बेच देता है। पीछे गुर्जर आंदोलन भी बिका है। बात कर गुर्जर मारे गए थे राजस्थान में बीजेपी सरकार में, तो क्या लग रहा है न्याय मिलेगा भाजपा सरकार में आपको? बीजेपी से तो कभी न्याय की उम्मीद की नहीं जा सकती, क्योंकि इन्होंने हमेशा नफरत की राजनीति की है। एंटी नेशनल जो भी कार्यक्रम होते हैं वो चलाती बीजेपी है, लेकिन आरोप इनका दूसरों लोगों पर गढ़ देते हैं। मैडम आप पढ़ी लिखी महिला हैं, क्या लगता है जो ओबीसी समाज था वो अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है कि भाई तुम्हारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तुम्हारी नौकरियां, तुम्हें ओबीसी या कैटेगरी में तो रखा गया है लेकिन नौकरियां नकली सर्टिफिकेट बनाकर पंडित के पास है, राजपूत के पास है, अन्य बिरादरी के पास है। ये चीजें अब समझ में आ रही हैं? बिल्कुल आ रही है। सोशल मीडिया जो है इससे लोगों को जागरूक हो रहे हैं और पता चल रहा है, अपने अधिकारियों के प्रति लड़ाई भी उठाते हैं। पर ये भी तो सच्चाई है कि रिजर्वेशन का सबसे ज्यादा विरोध ओबीसी समाज करता है। कौन कहता है रिजर्वेशन का विरोध ओबीसी समाज करता है? क्यों? इतने आंदोलन 72 गुर्जर शहीद ना होते? आपने भी बीपी मंडल जी का नाम लिया, जब मंडल कमीशन आया तो सबसे ज्यादा विरोध करने वाले कौन लोग थे? यही लोग। और राजीव चौक पर जो जल के मरा था ना वो ओबीसी था, राजीव दिल्ली में सबसे ज्यादा इन्होंने विरोध किया। मैं उस टाइम 8वीं क्लास में पढ़ती थी, मेरा जो गांव है मायका है वो ऑन रोड है, तो हम बड़े बड़े ट्रकों को भरकर जाते हुए देखते थे। तो वो शायद वो एससी लोग जो बिरादरी थी उन्होंने वो आंदोलन किया था। ओबीसी समाज सबसे ज्यादा विरोध कर रहा था मंडल कमीशन का, उसमें आरक्षण को खत्म करने की बात उठी थी कि भाई आरक्षण खत्म किया जाए, और उस पर एक विद्रोह पूरे देश में फैला था। ओबीसी समाज क्या लग रहा है जो गुर्जर समाज है जिस प्रकार से हलचल पड़ी है कि हमारा अपमान हुआ जी, जिस सरकार में जो पंचायत हो रही है लोग आवाज उठा रहे हैं, कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, एक एक व्यक्ति की आवाज बड़ी ही मायने रखती है। और जब मैं सुबह 9:30 बजे यहाँ पहुँच चुकी थी तो देखा कि एक छोटा सा गांव इन्होंने छावनी में तब्दील किया हुआ है, तो फर्क तो पड़ा है। जब मैंने पुलिस वाले से पूछा कि भाई जाने दो, बोला नहीं जाने देंगे, एक मीटिंग है। मैंने कहा एक मीटिंग नहीं है, एक महापंचायत है, और इस महापंचायत को आप इस तरह से लोकतंत्र से दबा नहीं सकते। तो वहाँ थोड़ी विरोध करने के बाद मैं यहाँ अंदर आई, फिर पुलिस का विरोध मैंने बर्दाश्त किया, मैंने कहा अरेस्ट करो या फिर हमारी पंचायत होने दो। बोला कि परमिशन नहीं है, धारा 144 लगी हुई है। मगर अगर धारा 144 लगी है तो अरेस्ट करो हमें और लेके जाओ।